जब जब श्री कृष्ण की नाम लिया गया है ऐसा कभी नहीं हुआ है कि राधा जी का नाम ना लिया गया हो। श्री कृष्ण के भक्त उन्हें राधे कृष्ण कहकर पुकारते हैं, क्योंकि ये वो शब्द है जो सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हुए हैं और उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण के साथ नहीं हुआ था, पर यह सब झूठ है। राधा और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था, क्योंकि आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि राधा और श्री कृष्ण का विवाह कब, कहाँ और कैसे हुआ था और किसने कराया था। ये जानने के लिए बने रहे वीडियो को अंत तक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बात। भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी को सभी जानते हैं। कहा जाता है कि इनका कभी मिलन ही नहीं हुआ था, मगर ब्रज के भांडी रोवर में स्थित एक मंदिर इस बात का गवाह है कि श्री कृष्ण और राधा ने विवाह किया था। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था, और उनकी प्रेम कहानी को कौन नहीं जानता। कृष्ण के बिना राधा अधूरी है, तो राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता था। ब्रिज का हर कोना आज भी राधा और कृष्ण के प्रेम को जिंदा रखे हुए है। कहते हैं कि कृष्ण और राधा का प्रेम इतना गहरा था फिर भी दोनों का मिलन नहीं हुआ। हालांकि कुछ पौराणिक मान्यता ऐसी भी है जिनमें कृष्ण और राधा के विवाह का जिक्र मिलता है। ब्रिज में ही भांडीरवन नाम की एक जगह है। यह जगह इस बात का गवाह है कि श्री कृष्ण और राधा के विवाह हुआ था। श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा से करीब 30 किलोमीटर दूर माल्ट तहसील में स्थित भांडीरवन में एक ऐसा अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति है। इस मंदिर का खास बात यह है कि इस मूर्ति में श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी नहीं, बल्कि कृष्ण और राधा दूल्हा दुल्हन का भेष धारण किए हुए हैं और ब्रह्मा जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या श्री कृष्ण और राधा का वाकई में विवाह हुआ था? तो आइए ये भी जान लेते हैं हमारे हिंदू धर्म के पुराण क्या कहते हैं। दोस्तों, ब्रह्मा वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण के विवाह का जिक्र मिलता है। इसके मुताबिक खुद जगत गुरु ब्रह्मा ने राधा और श्री कृष्ण की शादी कराई थी। इस कथा के मुताबिक जब श्री कृष्ण छोटे थे तब नंद बाबा उन्हें गाय चराने के लिए साथ लेकर गए थे। गाय चर रही थी और गाय चराते चराते नंद बाबा थक गए, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे लेट गए और उनकी आँखें लग गई। कुछ देर बाद जब उनकी आंखें खुली तो सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा हो गया था। नंद बाबा डर गए। तभी उन्हें दूर से एक रोशनी आती दिखाई दी। एक गोपी उनके ओर बढ़ रही थी। वो गोपी कोई और नहीं बल्कि राधा थी। राधा ने देवी का रूप धारण किया हुआ था, लेकिन नंद बाबा को वो राधा ही नजर आ रही थी। और नंद बाबा राधा को जानते थे, इसलिए उन्होंने नन्हे कान्हा को उसे सौंप दिया और कहा कि वह सही सलामत उसे घर ले जाकर यशोदा माँ को दे दे। फिर नंद बाबा अपनी गायों को लेकर वहाँ से चले गए। राधा ने नन्हे कान्हा को प्यार से गाल पर चूमा। तभी एक चमत्कार हुआ और राधा की गोद से नन्हे कान्हा गायब हो गए। कुछ ही पल में राधा के सामने श्री कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राधा को अपने प्रेम का इजहार किया। राधा भी कृष्ण से प्रेम करती थी, मगर वह कृष्ण को कहने से डरती थी। श्री कृष्ण ने राधा को थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। कुछ ही समय बाद जगत गुरु ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया और अग्नि कुंड के सामने राधा और कृष्ण ने गंधर्व विवाह संपन्न किया। विवाह होने के बाद दोनों ने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद देने के बाद ब्रह्मा जी वहां से चले गए और भगवान श्री कृष्ण भी अपनी बाल्य अवस्था में वापस आ गए। जिस बात की गवाह साक्षात जगत गुरु ब्रह्मा जी हो, उसे कोई कैसे झूठला सकता है। और राधा कृष्ण की शादी बाल्य अवस्था में ही हो गई थी। बाल्य अवस्था से ही दोनों पति पत्नी थे। शादी के बाद ही राधा कृष्ण की प्रेम जगत जाना, जिसे आज हम सब एक साथ राधे कृष्ण कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। और कमेंट सेक्शन में राधे कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।